तो गाइज मैं आ चुका हूं आपके लिए एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो लेके। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों के माइंड में एक ख्याल तो आता ही होगा कि यार काश हम अपने फोन को एक माइक्रोफोन बना पाती। या जी हाँ दोस्तों, जैसे आपके कॉलेज में, आपके अड़ोस पड़ोस में बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं और आपके पास माइक की कमी महसूस होती है। आपके पास साउंड तो होता है लेकिन आप सोचते हो यार काश मेरे पास माइक होती तो मैं कुछ परफॉर्मेंस कर पाता। लेकिन दोस्तों आप लोगों को ये शायद ना पता हो कि आपका मोबाइल भी माइक्रोफोन का काम कर सकता है, माइक का काम कर सकता है। अगर आप कुछ भी मोबाइल में बोलते हो वो आपके साउंड में सुनाई देगा। आप लोग सोचते हो यार ऐसा कैसे हो सकता है, तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इसी के ऊपर सारा का सारा एक्सप्लेन करने वाला हूं कि आप अपने मोबाइल में बोलोगे आपके साउंड में सब कुछ सुनाई देगा। अगर आपका साउंड ब्लूटूथ वाला है बहुत अच्छी बात है, अगर आपका फोन कनेक्टिंग वाला है तब भी बहुत अच्छी बात है। दोनों तरीके से आप जो भी अपने फोन में बोलोगे, जैसे आप माइक में बोलते हो वो सारा का सारा आपके साउंड में सुनाई देता है, वैसे ही आप जो भी अपने फोन में बोलोगे वो तुरंत के तुरंत आपके जो है साउंड में सुनाई देगा, वो भी बहुत अच्छी क्वालिटी में। आपको इससे रिलेटेड बहुत सारे ऐप प्ले स्टोर पर मिल जाएंगे, लेकिन दोस्तों जिस ऐप के बारे में मैं आपको बताऊंगा बहुत ही बेस्ट ऐप होने वाला है, क्योंकि दोस्तों मैं जो है ऐसी चीजों की टेस्टिंग करता रहता हूं कि कौन सा ऐप इसके लिए बेस्ट है। तो दोस्तों मैंने इसकी टेस्टिंग की, मैं यूज भी करता हूं। मैं आपको दिखा दूं, मेरे पास ये साउंड है जो कि एक ब्लूटूथ साउंड है और मेरा कभी कभी मन गाना गाने का करता है या कुछ भी प्रोग्राम में करने का मन करता है तो मैं अपने फोन में उसी ऐप का यूज करके इस साउंड में अपनी वॉइस को सुनता हूं। जैसे कोई सॉन्ग गाते हैं तो इसके अंदर बहुत ही सिंपल तरीके से बहुत ही बढ़िया क्वालिटी में आवाज आती है। तो दोस्तों कैसे आपको करना है, कौन सा ऐप आपको यूज करना है, सारा का सारा इसी वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। तो दोस्तों आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब के बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साइड में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। और दोस्तों आपने अभी तक हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया, उसका यूजर नेम आपकी स्क्रीन पर शो हो जाएगा तो आप हमें फॉलो जरूर कर लेना और इसका लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देंगे। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो गाइज मैं आ चुका हूँ अपने फोन की स्क्रीन पे। तो यहाँ पर दोस्तों आपको हमारा फोन शो हो रहा होगा, जिस फोन में मैं आपको यूज करके दिखाने वाला वो फोन आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा, आपको सिंपल सा सबसे पहले चले जाना होगा प्ले स्टोर में। तो यहाँ पर जब आप प्ले स्टोर में जाओगे तो आपको यहाँ पर गूगल में सर्च करना होगा लाइव माइक्रोफोन। जैसे ही आप सर्च करते हो यहाँ पर सबसे फर्स्ट में ही आपको मिल जाता है लाइव माइक्रोफोन एंड अनाउंसमेंट। तो यहाँ पर आपको क्लिक करके इसको आपको सिंपल सा इंस्टॉल कर लेना होगा। जब आप इसे इंस्टॉल कर लेना फिर इसे आपको यूज कैसे करना मैं आपको बताता हूँ। इसको मैं बैक कर लेता हूँ। ये सबसे अच्छा ऐप होने वाला है। यहाँ पर ऐप तो आपको बहुत सारे मिल जाएंगे लेकिन सभी ऐप को आपको इंस्टॉल नहीं करना, सारे वर्क नहीं अच्छे से करते, क्योंकि मैं सारे के सारे यूज करके देख चुका हूँ। तो यहाँ पर आपको वही ऐप शो हो जाएगा लाइव माइक्रोफोन करके। तो यहाँ पर मैं क्लिक कर लेता हूँ। यहाँ पर जब मैं क्लिक करूँगा, क्लिक करने के बाद में ये कुछ लोडिंग होने में ऐसा ऑप्शन आपके सामने शो होगा। तो यहाँ पर जब आप ये लोडिंग करेगा इसके बाद में आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा स्वाइप टू स्टार्ट। तो यहाँ पर आपको क्लिक करके ऐसे स्वाइप कर देना होगा। जब इसे आप स्वाइप करोगे तो यहाँ पर आपके सामने एक ऐड चलेगी, यहाँ पर कट करने का ऑप्शन मिलेगा। तो यहाँ पर आपको वेट कर लेना होगा। यहाँ पर देख लीजिए कट का ऑप्शन आ चुका है। तो यहाँ पर मैं कट पर क्लिक कर देता हूँ तो मेरी ऐड कट हो चुकी, सॉरी यहाँ पर ऐड पर ही क्लिक हो गया। तो यहाँ पर आपके सामने दो ऑप्शन आ चुके हैं। तो यहाँ पर एक रियल टाइम माइक और एक अनाउंसर। तो यहाँ पर अनाउंसर का मतलब जो भी आप बोलोगे इसको मतलब छोड़ने के बाद में ऑटोमेटिक बाद में बोलना शुरू कर देगा, लेकिन जैसे आप माइक के रूप में यूज करना चाहते हो, जो बोलते हो इंस्टेंट के इंस्टेंट तुरंत आपके जो है साउंड में ये सुनाई दे, तो इसके लिए आपको रियल टाइम माइक का यूज करना होगा। तो यहाँ पर जब आप क्लिक करते हो तो यहाँ पर फिर से आपको एक ऐड देखने को मिलेगी, क्योंकि जो एप्लीकेशन होती है वो पैसे तो आपसे कमानी तो इसलिए ऐड देती रहती हैं। तो यहाँ पर इसको भी मैं कट कर देता हूँ। तो यहाँ पर आपके सामने ये देख लीजिए इको नॉइज कैंसिलेशन, यहाँ पर ये दोनों ऑफ दिख रहे हैं, इनको सबसे पहले आपको जो है ऑन कर लेना होगा। यहाँ पर जब आप ऑन कर दोगे इसके बाद में ये देख लीजिए नीले कलर का जो है आपको माइक का ऑप्शन शो हो रहा होगा। तो यहाँ पर आपको सिंपल सा क्लिक कर देना होगा। यहाँ पर जैसे मैंने क्लिक किया देख लीजिए जो मैं बोल रहा हूँ तो यहाँ पर सुनाई देता है, जैसे कि हेलो हेलो माइक टेस्टिंग। देख लीजिए हमारी इसी फ़ोन के जो है माइक में इसकी आवाज़ शो हो रही होगी। तो इसका क्या मतलब है, मैं इसे अपने साउंड में कनेक्ट करके आपको दिखा तो सकता था लेकिन दिखाऊंगा तो ये पड़ोस में साउंड है, तो इसकी वजह से इसी की आवाज़ इसमें गूंजने लगेगी। तो इसकी आवाज़ जैसे कि आप कहीं पर आपके साउंड बजते तो इसमें देखो बहुत बेकार तरीके की आवाज़ आने लगती। तो इस हिसाब से यहाँ पर अगर मैं इसे कनेक्ट करके बोलता हूँ तो आप नहीं सुन पाओगे, क्योंकि बहुत बेकार आवाज़ हो जाएगी, क्योंकि पड़ोस में होता है जो बोलेंगे वो इसी में से आपस में टकराएगी, आवाज़ तो बेकार हो जाएगी। अगर ये साउंड
आपका कुछ दूरी पर रखा हुआ है तब इसमें जो आप बोलते हो बहुत अच्छी आवाज़ आती है। मैं तो इसे यूज़ करता हूँ, ये बहुत ही परफॉर्मेंस तरीके से, जैसे कि मैं कहीं पर कुछ भी सॉन्ग गाने की इच्छा होती है रख दिए इसे दूर, बढ़िया आराम से मैं अपनी वॉइस में जो भी गाना होता गाता रहता हूँ, और यहाँ पर क्लिक करके बड़ी आराम से आप जो है इसमें जो बोलोगे वो यहाँ पर सुनाई देगा। और यहाँ पर अगर आपका फ़ोन ब्लूटूथ वाला, आपका जो साउंड ब्लूटूथ वाला नहीं, तो यहाँ पर कनेक्ट कर लेना, कनेक्ट करने के बाद में जो बोलोगे वो उसमें सुनाई देगा। तो यहाँ पर आप जो है माइक कनेक्ट कर सकते, अपने फ़ोन कनेक्ट कर सकते हो किसी भी साउंड में कनेक्ट करने के बाद में यहाँ से बोल सकते हो। अगर आप माइक नहीं कनेक्ट करना चाहते हो तो डायरेक्ट यहाँ से बोलकर अपने मोबाइल के ही इसमें साउंड में सुन सकते हो। तो ये ऐप मुझे बेस्ट लगा, अगर आप इसे यूज़ करोगे तो आपको लगेगा कि ये ऐप काफ़ी अच्छा है, क्योंकि आपको बहुत सारे प्ले स्टोर पर ऐप मिलने वाले हैं कोई भी अच्छे से वर्क नहीं करते, क्योंकि मैं बहुत सारे ऐप्स के बारे में जानकारी लिया हूँ और उनको यूज़ किया हूँ, मुझे कोई खास ज़्यादा नहीं लगे, लेकिन ये मुझे अच्छा लगा तो मैंने सोचा इसके बारे में वीडियो बना देता हूँ, क्योंकि मैं वीडियो वही बनाता हूँ जो जेन्युइन ट्रिक होती है, अगर फेक होती है तो उस पर मैं वीडियो नहीं बनाता हूँ। तो गाइस आपको ये ऐप कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं, और आपको हमारा वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट में बताएं, और दोस्तों आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। तो दोस्तों मिलते हैं एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, जय हिंद वंदे मातरम।